हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल की मदद से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का और साथ में प्रैक्टिस भी करने का। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको इडियम और फ्रेजेस बताऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो पूछती है, क्या तुम स्कॉट से मिली थी? क्या तुम स्कॉट से मिली थी? डिड यू मीट अप विद स्कॉट? डिड यू मीट अप विद स्कॉट? क्या तुम स्कॉट से मिली थी? तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। जैसे हम कभी किसी से पूछते हैं ना, क्या तुम उससे मिली थी या क्या तुम उससे मिले थे, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं डिड यू मीट अप विद स्कॉट, या उसकी जगह पर कोई और नाम यूज़ कर सकते हैं। वो कहती है नहीं, लेकिन मैंने कुछ नया करने का फैसला किया है। वो कहती है लेकिन मैंने कुछ नया करने का फैसला किया है। बट आई डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस। लेकिन मैंने कुछ नया करने का फैसला किया है। डिसाइड मतलब फैसला करना। तभी उसका जो ब्रदर होता है, बड़ा भाई, वो आता है। वो कहता है तुम कब से खाना बनाने लगी। सिंस वैन डू यू कुक। तुम कब से खाना बनाने लगी? तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें यहाँ पे सिंस का यूज़ करा गया है ना, तो सिंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम ऐसे पूछते हैं कब से कर रहे हो ये काम, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कह रहा है ना, तुम कब से खाना बनाने लगी? सिंस वैन डू यू कुक, कब से बोल रहा है, इसलिए कि हम सिंस का यूज़ करते हैं वहाँ पे। वो कहती है आज से, सिंस टूडे, और साथ में कहती है मुझे रात को गजब की नींद आई। आई गॉट एन अमेजिंग नाइट स्लीप। मुझे रात को गजब की नींद आई। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं कि मुझे रात को बहुत बढ़िया नींद आई, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं आई गॉट एन अमेजिंग नाइट स्लीप। वो अपनी माँ से कहती है आपको सब कुछ करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू ट्राई एंड डू एवरीथिंग। आपको सब कुछ करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका भाई होता है, उससे कहता है वो क्या था? वो कहती है क्या था? तुम्हारा माँ के प्रति रवैया, जो उसने अपनी माँ से बोला था उसके रिगार्डिंग वो कहता है, तुम्हारा माँ के प्रति रवैया, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉम, तुम्हारा माँ के प्रति रवैया। तो एटीट्यूड मतलब रवैया। वो कहती है क्या रवैया मैं सिर्फ सच कह रही थी। What attitude? I was just being say truth. मैं सिर्फ सच कह रही थी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, काफ़ी मतलब यूजफुल सेंटेंस इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम जो अपने डेली लाइफ में बात करते हैं ना, सेम वही चीज़ है इसके अंदर। तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना डेली, तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर पाएंगे। वो कहता है हमेशा की तरह गुस्सा दबा कर रखने की बजाय instead of being passive aggressive like always, हमेशा की तरह गुस्सा दबा के रखने की बजाय। अब जैसे यहाँ पे बोला ना instead का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम किसी की बजाय, जैसे हम कहते हैं ना इसकी बजाय या इसके बदले में, तो वहाँ पे हम instead का यूज़ करते हैं। तुम आज सुबह उठी और सोचा, You woke up this morning and thought। तुम आज सुबह उठी और सोचा, मैं बस सीधे गुस्सा दिखाऊंगी। I'm just going to be straight up aggressive। मैं सीधे गुस्सा दिखाऊंगी। वो कहती है मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। I'm not being aggressive। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसा होता है ना, कोई आपसे कहता है गुस्सा हो रहे हो, तो हम कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। कैसे बोल सकते हैं इसको? वो कहता है ठीक है, बताओ क्या हो रहा है। अपनी बहन से पूछता है, एक्चुअली दोनों भाई बहन है, तो वो उससे कहता है ठीक है बताओ क्या हो रहा है। ऑल राइट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। बताओ क्या हो रहा है, अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बताओ क्या चल रहा है, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कहती है तुम सच में जानना चाहते हो। यू रियली वॉन्ट टू नो। तो फ्रेंड देखिए, एक इंग्लिश सीखने का बहुत ही इसमें सिंपल तरीका है। अब जैसे कि आप सेंटेंस को पढ़ो और फिर उसकी इंग्लिश को देखो, तो आपको कुछ कुछ चीज़ समझ में आएंगी। जैसे मैंने बोला तुम के लिए यू का यूज़ करा गया, ठीक है। सच, सच में मतलब रियली, रियली मतलब सच में। जानना चाहते हो,
वॉन्ट टू नो, नो का मतलब होता है जानना, वॉन्ट मतलब चाहते। तो एक आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, जो वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग है वो समझ में आएंगे, तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसको बोल पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए डेली, आप अपनी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे इस तरीके से। यू रियली वॉन्ट टू नो, वो कहता है इसलिए मैंने पूछा, इसलिए मैंने पूछा, दैट्स वाई आई आस्क, दैट्स वाई आई आस्क, इसलिए मैंने पूछा। वो कहती है यह आसान है, मैंने अपने डर को बाहर निकाल दिया, यह आसान है, मैंने अपने डर को बाहर निकाल दिया। इट्स सिंपल आई टुक आउट माई फियर, इट्स सिंपल आई टुक आउट माई फियर, यह आसान है, मैंने अपने डर को बाहर निकाल दिया। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है तुमने बाहर निकाल दिया, तुम्हारा क्या मतलब है तुमने बाहर निकाल दिया। वॉट डू यू मीन यू टुक इट आउट, वॉट डू यू मीन यू टुक इट आउट, तुम्हारा क्या मतलब है तुमने बाहर निकाल दिया। तुम मजाक कर रही हो, आर यू किडिंग, तुम मजाक कर रही हो, आर यू किडिंग, वो उससे कहता है अपनी बहन से तुम मजाक कर रही हो। वो कहती है तुमको पता नहीं कि इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, वो अपनी बहन को बोलता है तुमको पता नहीं कि इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है। यू हैव नो आइडिया वॉट काइंड ऑफ डैमेज दैट कुड डू, यू हैव नो आइडिया वॉट काइंड ऑफ डैमेज दैट कुड डू, तुमको पता नहीं इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है। वो कहती है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वो उसको बोलती है अपने भाई को, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इफ़ यू हैवेंट नोटिस आई एम कम्प्लीटली फाइन, इफ़ यू हैवेंट नोटिस आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, जैसे कि इसमें दो सेंटेंस एक तरीके से यूज़ हो रहे हैं, एक जैसे ने पूछा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, इफ़ यू हैवेंट नोटिस आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है मुझे एक मौका और दे दो, मुझे एक मौका और दे दो, गिव मी वन मोर चांस, गिव मी वन मोर चांस, मुझे एक मौका और दे दो। तो यहाँ पे थोड़े से जो वर्ड हैं वो थोड़े से मिक्सअप हो गए हैं एक दूसरे को, तो इस चक्कर में दिख नहीं रहा नीचे। तो यहाँ पे लिखा है गिव मी वन मोर चांस, मुझे एक मौका और दे दो। वो कहता है मैं पूरी तरह से और 100% ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से और 100% ठीक हूँ, आई एम कम्प्लीटली एंड 100% फाइन, आई एम कम्प्लीटली एंड 100% फाइन, मैं पूरी तरह से और 100% ठीक हूँ। अगर तुम वही चाहती हो तो सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, मतलब वो उसकी उससे कहता है लड़की से अगर तुम वही चाहती हो तो सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। विथ जस्ट बींग फ्रेंड्स इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट, विथ जस्ट बींग फ्रेंड्स इफ दैट वॉट यू वॉन्ट, अगर तुम वही चाहती हो तो सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। वो कहती है मैं वह नहीं चाहती, मैं वह नहीं चाहती, इट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट, इट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट, मैं वह नहीं चाहती। या जैसे आप बोला हूँ मैं वह नहीं चाहता तो भी हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट। मैं तुमको पसंद करती हूँ और मुझे लगता है हमें बाहर घूमना चाहिए, वो उसको बोलती है लड़के को, मैं तुमको पसंद करती हूँ और मुझे लगता है हमें बाहर घूमना चाहिए। आई लाइक यू एंड आई थिंक वी शुड हैंग आउट, आई लाइक यू एंड आई थिंक वी शुड हैंग आउट, मैं तुमको पसंद करती हूँ और मुझे लगता है हमें बाहर घूमना चाहिए। तो यहाँ पे हैंग आउट का जो यूज़ करा गया मतलब बाहर घूमने के लिए। तुम स्कूल के बाद क्यों नहीं आते, वो उससे कहती है तुम स्कूल के बाद क्यों नहीं आते, मतलब उसको अपने घर आने के लिए इन्विटेशन देती है कि तुम स्कूल के बाद क्यों नहीं आते। वाई डोंट यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, वाई डोंट यू कम ओवर आफ्टर स्कूल, तुम स्कूल के बाद क्यों नहीं आते। वो कहता है मैथेसन की सबसे भूतिया जगह में, मैथेसन की सबसे भूतिया जगह में, टू द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन मैथेसन, टू द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द मैथेसन, मैथेसन की सबसे भूतिया जगह में। तो हॉन्टेड मतलब होता है भूतिया या डरावनी, उसके हॉन्टेड। वो कहती है मुझे ये मत कहना कि स्कॉट कैवेंडिश डर रहा है, मुझे ये मत कहना स्कॉट कैवेंडिश डर रहा है, डोंट टेल मी स्कॉट कैवेंडिश इज स्केयर्ड, डोंट टेल मी स्कॉट कैवेंडिश इज स्केयर्ड, मुझे ये मत कहना स्कॉट कैवेंडिश डर रहा है। तो स्केयर्ड मतलब डरना, डर। वो कहती है फिर मिलते हैं, सी यू लेटर देन, फिर मिलते हैं, सी यू लेटर देन, उससे फिर मिलने की कहती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कहते हैं ना फिर मिलते हैं, जब हम कभी ज़्यादा होते हैं किसी से बात करके तो हम कहते हैं फिर मिलते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे सी यू लेटर देन। वो कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको वीडियो के एंड में आपको idiom फिर से बताऊंगा, तो हमारे आज का idiom है वो है बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वन हु कम ओकेशनली, वन हु कम ओकेशनली, हिंदी में कभी कभार आने वाला, मतलब ऐसा हमारे यार दोस्त या कोई रिलेटिव होते हैं जो कभी कभार आने वाले होते हैं, तो उनको कहेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। तो फ्रेंड्स
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।